हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। आज हम बनाएंगे एकदम स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन, वो भी घर पे। स्ट्रीट स्टाइल नूडल घर पे बनाना बहुत ही आसान है, बस हमें कुछ बातों का ध्यान देना है। चाउमीन की खास बात ये होती है कि वो बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे बनाई जाती है, तो हाई फ्लेम पे बनाने की वजह से उसमें एक स्मोकी नोट भी आता है, जो स्मोकी नोट घर पे लाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आए, तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि हम चाउमीन बनाने के लिए कौन सी नूडल्स लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये पतली पतली नूडल्स का इस्तेमाल किया है, जो कि आपको बहुत ही आराम से मार्केट में मिल जाएगी। ये एक कमर्शियल पैक है, इसलिए बहुत बड़ा पैकेट है। और अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि मैंने हक्का नूडल्स वाली वीडियो में हक्का नूडल्स का इस्तेमाल किया था। तो नूडल्स उबालने के लिए आप कोई भी बड़ा सा वॉक या कढ़ाई लें, उसमें डालें बहुत सारा पानी, और जैसे ही पानी थोड़ा सा उबलने लग जाए उसमें डालें बहुत सारा नमक। और यहाँ पर नमक डालना जरूरी इसलिए है क्योंकि नूडल्स के अंदर तक नमक सिर्फ उबलते हुए ही जा सकता है। ड्राइड नूडल्स या सूखे नूडल्स को उबालते हुए आपको इस बात का ध्यान देना है कि उसमें तेल बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि उबालते हुए सिर्फ फ्रेश नूडल्स या सिर्फ फ्रेश पास्ता में तेल डाला जाता है, ताकि वो कढ़ाई के नीचे उबलते हुए चिपके ना। जो हमारे ड्राइड नूडल्स या ड्राइड पास्ता होता है उसमें तेल बिल्कुल भी नहीं डालते। तो बस इसको 2-3 मिनट तक अच्छे से उबाल लें। और जब लगभग ये 90% तक पक जाएगा, मतलब थोड़े से नूडल्स सॉफ्ट होने लग जाएंगे, इसके पानी को पूरा छान दे और जल्दी से एकदम ठंडे पानी से इन नूडल्स को धो दे, बहुत ही अच्छे से। मतलब पूरी विम की शक्ति चाहिए यहाँ पे कि अच्छे से धो डाला। बस इसको ठंडे पानी से अच्छे से धोने के बाद 2-3 मिनट तक सूखने दें और इसमें काफी सारा तेल डाल दें। ठंडे पानी से और तेल से सिर्फ ये होता है कि नूडल्स बिल्कुल नहीं चिपकेंगी, चाहे आप इसको आधे घंटे के लिए रखो या पूरे दिन भर के लिए। अब ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी क्योंकि हमने इससे पूरा स्टार्च निकाल दिया है। और रेस्टोरेंट्स और स्ट्रीट स्टाइल वाले लोग भी नूडल्स को ऐसे ही करके रखते हैं। आप देख सकते हो कि नूडल्स कितनी अलग अलग लग रही हैं और तेल की वजह से थोड़ी सी शाइनी शाइनी लग रही है, और जब मैं तोड़ के देखता हूँ तो आप देख सकते हो कितनी बढ़िया लग रही है। अब बस जल्दी से अपनी सारी सब्जियां काटनी है। तो यहाँ पर मैंने लिया है थोड़े से प्याज, शिमला मिर्च, गाजर और हरा प्याज। और हरा प्याज में मैंने हरे वाला पार्ट अलग कर दिया है और सफेद वाला पार्ट अलग काट लिया है। बस हर चीज को लंबा लंबा काटना है। और हाँ, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर बंद गोभी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं बंद गोभी नहीं खाता तो इसलिए मैंने नहीं डाली है। तो चलो, अब समय हो गया है पकाने का। तो पकाने से पहले कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप कोई भी स्ट्रीट स्टाइल वाले वेंडर को देखें तो आप ये नोटिस करेंगे कि उनकी फ्लेम बहुत ज्यादा तेज होती है और उससे पकाने में बहुत फर्क आता है, पर घर पे हमारे पास ऐसे बर्नर होते ही नहीं है। तो जो खास बात मैं आपको ध्यान रखने के लिए बोलूंगा वो ये है कि आप अपनी सब्जियों को और अपनी नूडल्स को भी पकाने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाएं। यहाँ पे मैंने एक वॉक लिया है, आप कोई भी बड़ी सी कढ़ाई ले सकते हैं और सबसे पहले उसमें डालें तेल और तेल को पूरी वॉक या पूरी कढ़ाई में अच्छे से फैला दें। उसके बाद डालें अपने कटे हुए दोनों प्याज और इसको सिर्फ 2 मिनट तक हिलाते हुए पकाते रहें। उसके बाद डालें अदरक लहसुन और कटी हुई गाजर। और हाँ, अगर आप गाजर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि उसको थोड़ी देर लंबा पकाना है, मतलब यहाँ पे आपको आराम से 2 मिनट लगाने ही पड़ेंगे क्योंकि गाजर को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। बस आखिर में डालें अपनी शिमला मिर्च, और अगर आप बंद गोभी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस समय आखिर में अपनी बंद गोभी भी डाल दें और फिर से लगभग 1-2 मिनट तक पका लें। इन सब चीजों को अच्छे से हिलाते रहें क्योंकि हम बहुत हाई फ्लेम पे पका रहे हैं। और ध्यान रहे कि हमें हर चीज को पूरा नहीं पकाना है, मतलब काला नहीं करना, भुनना नहीं है, हमें सिर्फ सब्जियों को हल्का सा सॉफ्ट करना है। अब डालें अपनी उबली हुई नूडल्स, और नूडल्स के साथ साथ जल्दी से डाल दें थोड़ा सा विनेगर या सिरका, थोड़ी सी सोया सॉस, अगर आपको थोड़ा ज्यादा रंग पसंद है तो थोड़ी ज्यादा सोया सॉस डाल दें, और फिर मैंने डाली है थोड़ी सी ग्रीन चिली सॉस, और मेरे को थोड़ी स्पाइसी चाउमीन ज्यादा पसंद है तो मैंने थोड़ी ज्यादा डाली। बस इसको अच्छे से मिला ले हाई फ्लेम पे, और इसके बाद आखिर में डाले अपना नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा अजीनोमोटो या MSG। अगर आप चाहते हैं तो अजीनोमोटो डालें, अगर आप नहीं चाहते तो आप बिल्कुल ना डालें। नूडल्स, नमक, मिर्च को अच्छे से मिला लें।
एकदम रेस्टोरेंट वालों की तरह हिलाने की टेक्निक सिर्फ ये होती है कि वॉक को आगे पीछे किया जाता है, वॉक को ऊपर नीचे नहीं करते। अगर ऊपर नीचे करोगे तो चीजें बाहर आ जाएंगी। जैसे ही हम आगे पीछे करते हैं तो नूडल्स अपने आप ही आगे से लग के पीछे आ जाती है। बस सब कुछ अच्छे से मिलाने के बाद आपकी स्ट्रीट स्टाइल नूडल्स तैयार है। आखिर में अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा और नमक होना चाहिए या और काली मिर्च होनी चाहिए तो आप उन सब चीजों को आखिर में भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों है ना बहुत ही सिंपल रेसिपी, बस नूडल्स होने की जरूरत है। सब्जियां तो काफी घर में होती है। मुझे पता है कि अगर आप बिल्कुल ऐसे ही चाउमीन बनाओगे तो काफी हद तक एकदम स्ट्रीट स्टाइल टेस्ट आ जाएगा। तो दोस्तों इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स और उसके मेजरमेंट्स मिल जाएंगे आपको मेरी वेबसाइट पे, और जो भी मैंने प्रोडक्ट्स इस वीडियो में यूज करे हैं या कोई अच्छा वॉक भी लेना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बार में दे ही दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूले, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और ये रही दो और वीडियो जो शायद आपको पसंद आए। दोस्तों मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी।